आपसे वादा करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शुभकर्ण चौधरी आपका विधायक बनेगा, इस पहाड़ में एक भी चीता भगेरा नहीं रहेगा, मेरा वादा है आपसे। एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा, गिरावड़ी दूर नहीं, लेकिन वो 10 बीघा का फार्म एक महीने में तोड़ के बाहर नहीं फेंक दो तो मेरा नाम बदल। आपके वर्तमान विधायक और मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम, भाइयों के नाम, बाप के नाम और खुद के नाम सैकड़ों बीघा मंदिर माफी की जमीनों का कब्जा कर लिया, पर उन नरभक्षियों को यहां भी चैन की सांस लेने नहीं दी। कभी बाबूलाल सैनी की हत्या, कभी मदन मणकस की हत्या, कभी महावीर झाझरिया की हत्या, और हत्याओं के साथ साथ जो आदमी कहता था राजस्थान की सरकार ने मुझे फेंक दिया बाहर, मंत्री पद से हटा दिया, तो आया ऊंटगाड़ों पर बैठकर मुंह से बोला नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में, ए बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, ए माताओं बहनों, जब ये शब्द वो मुंह से निकाल रहा था उसी वक्त उसके घर में सरकारी बंगले में एक दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा था। मां मनसा के मंत्र में, आपकी आस्था के धर्म स्थल पर, उस पवित्र स्थान पर वाल्मीकि समाज की बेटी जो नाबालिग थी वहां सफाई का काम करती थी, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मेरी माता बहनों के सामने माफी चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ रहा है, हमारी वो बेटी उस मंदिर में उनके परिवार के द्वारा गर्भवती करके लौटाई गई। ऐसे ऐसे अन्याय हमारे साथ, ऐसे ऐसे अत्याचार हमारे साथ, और उसके बाद भी उनकी हिम्मत के हमारे यहां प्रचार करने आते हैं, मंदिरों में व्यभिचार हो रहे हैं, लोगों के साथ दुराचार हो रहा है, और घर इतने भरे गए, हजारों हजारों बीघा मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा हुआ। 70 साल के इतिहास में कोई भी किसान आज तक मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। आपके वर्तमान विधायक और मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम, भाइयों के नाम, बाप के नाम और खुद के नाम सैकड़ों बीघा मंदिर माफी की जमीनों का कब्जा कर लिया। गोदाम में जाकर देखो, दुकानें भर रही हैं, करोड़ों रुपए में बिक रही है। गिरावड़ी में जाकर देखो, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करके बंगला बना रहा है। जंगल की जमीनों पर या तो कब्जा कर लिया, पत्थर फोड़ फोड़ के झुंझुनू में बेच दिया, और या फिर वहां ले जाए के वो चिता भगेरे छोड़ दिए, जो गुजरों की, सैनियों की, गरीबों की, किसानों की, भेड़ बकरियों को रोजाना खाते हैं, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पहाड़ आपके भी नजदीक है, अभी तो भेड़ बकरियां मिल रही हैं, अभी तो भेड़ बकरियां मिल रही हैं, जिस दिन भेड़ बकरियां नहीं मिलेंगी उस दिन क्या होगा पता है? आपन खाएगा, यूं पहले के आपन खा जाए, आप वाली 25 तारीख में बन खा जाओ, और बटन कमल का आता दबाओ, जो नार भी चला जाएगा, बजरा भी चला जाएगा। मैं आपसे वादा करने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शुभकर्ण चौधरी आपका विधायक बनेगा, इस पहाड़ में एक भी चीता भगेरा नहीं रहेगा, मेरा वादा है आपसे। एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा, गिरावड़ी दूर नहीं, कोई आधा बीघा एक बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई में अन्याय नहीं करना चाहता, उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन वो 10 बीघा का फार्म एक महीने में तोड़ के बाहर नहीं फेंक दो तो मेरा नाम बदल। आपको जगाने आया हूं, आपको बताने आया हूं, आपके घरों पर डाके डल रहे हैं, मां बहनों के साथ व्यभिचार हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको कभी कहते हैं कि दलित परिवार एससी एसटी के लोग मेरा पहला प्यार हैं, पहले प्यार का नमूना देखना चाहते हो? आपके पहले प्यार का एक गरीब का बेटा संजय वर्मा नाम का थानेदार बनकर गुढ़ा में आया था, बेचारे ने मीटिंगें करवाई इसकी, नौकरी को ताक में रखकर दुपट्टा पहनकर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार कर रहा था, मंत्री जी को वोट देना, 15 दिन में सस्पेंड कर दिया, इसी ने किया। नगर पंचायत समिति उदयपुर वाटी में बाबूलाल जी रेगर को वीडियो लगाया, 6 महीने 12 महीने खूब लूट कसोट उसके माध्यम से मचवाई, और थोड़ा थोड़ा उसको जब होश आने लगा उसने थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश की कि साहब आप गलत काम मत करवाओ, मेरी नौकरी चली जाएगी, जेल भी भेज दिया और नौकरी भी खा गया। ये पहला प्यार है आप तो चाहते हो अन्याय खत्म हो जाए, न्याय का राज हो, चाहते हो कि रामराज की स्थापना हो, आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर घर घर में कुंभा लिफ्ट का पानी 24 घंटे मिले, ये व्यवस्थाएं चाहते हो, ये नार भगेरे यहां से भगाना चाहते हो, तो मात्र आपके पास एक विकल्प बचता है, आने वाली 25 नवंबर को प्रातः 7 बजे जब आप बूथ पर जाएं, तो आपके दिमाग में न जाति, न पाति, न धर्म, न मजहब,
मात्र आंख से कमल के फूल का बटन दिखना चाहिए, ये होगा तो राजस्थान की सरकार आपकी बनेगी, विधायक आपका बनेगा और आपका एक सेवक। 5 साल लगातार जितनी समस्याओं की आप चर्चाएं कर रहे हो, ये मेरा रजिस्टर, ये मेरी छाती के नीचे 40 दिन लगातार रहेगा और ये उस दिन फटेगा जिस दिन नगर पालिका सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फैसला आपको करना है, जगाना मेरा काम है। लोग पहले कई दिनों तक कहते रहे क्या कि चुनाव लड़ोगे, टिकट ही को नहीं बोला, टिकट भी ले आया, आपकी टिकट भी आ गई, आपने जो कहा उसकी भी आ गई। अब आगे बटन तो मेरी अंगूठी से नहीं दब सकते, वो तो आपको दबाने हैं। मुझे तो बताना था कि आपके साथ क्या अन्याय हो रही है और आपके बटन में कितनी ताकत है। आपको बताऊं, जिलों की चर्चा चली, कुछ लोग नीमका थाना में जाना चाह रहे थे, कुछ झुंझुनू में जाना चाह रहे थे, हर एक जगह जिलों का झगड़ा है। उदयपुर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, पर गुड्डा के लोगों को जब नीमका थाना में मिलाने की बात आई, लोगों ने संघर्ष किया तो आवाज बुलंद करी और कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार आज तक झुकती जा रही है, हिम्मत आपकी चाहिए। पर दुर्भाग्य देखिए हमारा, सरकारों को तो हमने झुकाया पर एक आदमी जो हमारे वोट लेकर गया वही हमको धत्ता बता रहा है। पहले मायावती जी के लिए कहा, मायावती जी तो चोर है, मैं पैसे देकर टिकट लाता हूँ, फिर कहता है मैं तो बसपा में जीतता हूँ, कांग्रेस में आता हूँ, मंत्री बनता हूँ, दरी फेंक देता हूँ। खुल्ला खुल्ला आपके सामने उसने कई बार कहा, जिसका लिया उसका दिया नहीं, जिसने भरोसा किया उसके साथ रहा नहीं, फिर आप कौन सा भरोसा करना चाहते हैं, आप उसे क्या लेना चाहते हैं। उनके पास मित्रों में भाई और बहनों देने के लिए कुछ नहीं है, वह देबू ना हो आपका खानदान को काटी को नहीं लेबू लेबू काटी। वर्तमान में जो आपके विधायक है जो उस वक्त चुनाव लड़े थे उनको पता है शुभकर्ण चौधरी रात दिन प्रयास में लगा हुआ है, ये आज नहीं तो 2 महीने बाद जीत गया तो नहर का पानी लेकर आएगा। तो उससे पहले लोगों को कहने लगे वो कहाँ की नहर लिया हुआ है, काम नहर तो मेरी जेब में गल रही है। कई बार अखबारों में आपने सुना कुंभा लिफ्ट मेरी जेबों में लटक रही है। 5 साल हो गई मित्रों, 40 दिन और बचे 5 साल में चुनाव होने में, या तो अकेला उस नहर को पी गया उसकी जेब फट गई है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहर कहीं नहीं आई। ऐसे झूठे फरेबी लोगों के चक्कर में आकर हमने जो सरकार बनाई वो सरकार की शुरुआत ही धोखे की थी। राजस्थान की राजधानी में इटली की महारानी का बिगड़ेल बेटा है जिसको ये नहीं पता कि हरी मिर्च पहले लगती है कि लाल मिर्च पहले लगती है। लोगों से कहता है लाल के भाव ज्यादा है तो लाल ही बोरे, बड़े मूर्ख आदमी, लाल जमीन लाल मिर्च होती नहीं है, वो पेड़ पे पकती है तब लाल होती है। ऐसे आदमी ने आकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर भाषण दिया, ए राजस्थान के किसानों 1, 2, 3, 8, 10 की गिनती पूरी होने से पहले 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दो। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, लोगों को विश्वास हुआ इतना बड़ा आदमी भाषण दे रहा है, जब ये एक मशीन में आलू डाल के सोना बना सकता है तो लोन माफ क्यों नहीं कर सकता, लोगों को भरोसा हो गया। वो वहीं रुका नहीं, उसके सामने बड़े नौजवान खड़े थे जैसे मेरे सामने खड़े हैं, ए राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों अगर मेरी सरकार बनेगी तो आपको रोजगार दूंगा और रोजगार नहीं दूंगा तो 3,500 रुपया आपको मुआवजा दूंगा, महीने की तनख्वाह दूंगा, 1 रुपया मिला नहीं, किसानों का लोन माफ करूंगा, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दूंगा, बिजली के बिल माफ करूंगा, मैं रसोईयां चलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बांटूंगा। 4 साल लगातार वो बिल माफ करना, वो लोन माफ करना, वो बेरोजगारी भत्ता तो गया, साल में कभी कोरोना आया, कभी होटलों में गए, आपका जितना पैसा था वो तो गया ही गया। हमने उदयपुर वाटी की जनता को जनता जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पीने का पानी मिल जाए इस बात के लिए राजस्थान में 36,000 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर आए। केंद्र की सरकार के मुखिया ने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा चुनाव की कोई बात नहीं, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी ना सही, जनता हमारी है, इस जनता ने हमको 25 सीटें लोकसभा में दी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 36,000 करोड़ रुपया मिला, सरकार के मुखिया ने थोड़ा पैसा इन चोरों को नेताओं को बांट दिया कि तुम सरकार मत गिराना, पैसा ले जाओ, केंद्र का आया फोकट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पैसा लैपटॉप बांटने में लगा दिया, कुछ पैसों से साइकिलें बांट दी,
अब थोड़ा पैसा बचा तो घर घर में रसोई की चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन पहले? 3 महीने पहले। यानी राजस्थान की जनता 4 साल 9 महीने मरे तो मर जाए, 3 महीने में आपको रसोई का खाना खिलाएंगे, मोबाइल बांटेंगे, अब तो सिलेंडर भी सस्ता करेंगे, अब तो बिजली का बिल भी फ्री करेंगे। चिंता मत करो मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और बच्चों, ये बिजली का बिल फ्री नहीं है, आपके गले की फांसी का फंदा है। जिस दिन सरकार जाएगी सारा का सारा पैसा वसूल जाएगा।